अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉसम ट्रैक्स प्राइवेट लिमिटेड। लेट्स एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान टुगेदर। आज हम लोग आए हैं मुशकपुरी टॉप पे और हम आपको ऑटम के सीज़न में मुशकपुरी का कंप्लीट ट्रैक भी व्यू करवाएंगे और आप इसका एडवेंचर भी करेंगे। स्टे विद अस। आज ब्लॉसम ट्रैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जिसमें टोटल 12 पार्टिसिपेट थे और ये एक कंपनी का कस्टमाइज टूर था और हम लोगों को, जिन लोगों को जो हमारे साथ आए, उनके आपसे रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे। उन लोगों ने यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। उसके अलावा मेरी राय में जो भी लोग जॉब करते हैं, जो सिटी से बाहर नहीं जा सकते या जिनके पास टाइम नहीं है या जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उन लोगों को मुशकपुरी टॉप ज़रूर आना चाहिए क्योंकि ये वन डे ट्रिप है और इसकी कॉस्ट जो हमारी मोस्टली चलती है वो 3,500, 3,800, 4,000 इस तरह से चलती है जो ग्रुप टूर हमारा निकलता है। हर वीकेंड पे हमारा ये जो है ग्रुप निकलता है, यानी सैटरडे नाइट को 10 PM फ्रॉम लाहौर डिपार्चर है और मंडे नाइट को तकरीबन 2-3 बजे तक हम वापस आ जाते हैं। इस ट्रिप में स्पेशल क्या है, क्यों करना चाहिए? ये इसलिए करना चाहिए कि एक तो आप बड़े स्ट्रेस होते हैं सिटीज़ में, आप जॉब्स कर रहे होते हैं, सारा दिन इंगेज रहते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। नंबर वन तो यहाँ पे आपको हेल्थ एक्टिविटी मिलती है क्योंकि आप 2 घंटे की ट्रैकिंग करके आते हैं। नंबर टू, आप खूबसूरत जंगल देखते हैं, खूबसूरत जंगल को इंजॉय करते हैं। उसके बाद जब आप पहुँचते हैं मुशकपुरी टॉप तो ये एक लश ग्रीन मेडोज़ है, ठीक है, और ठंड भी होती है। अगर आप गर्मियों में आते हैं तो और भी ज़्यादा ग्रीन होती है। अभी चूँकि ऑटम चल रहा है, ये अक्टूबर का मंथ है और अक्टूबर में आपको पता है ठंड वैसे ही शुरू हो जाती है, इसलिए यहाँ भी इस टाइम थोड़ी सी ज़्यादा ठंड है, लेकिन सूरज की तपश अच्छी होने की वजह से, सूरज जो है वो सनशाइन अच्छा है, इस वजह से जो है ना ठंड इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही, लेकिन बहरहाल इस हवा काफ़ी तेज है। मुशकपुरी टॉप एबटाबाद की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और ये तकरीबन जो ट्रैक है मुशकपुरी टॉप का, ये 4 किलोमीटर का है और इसके 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो है सिंपली स्ट्रेट जंगल से जाता है और दूसरा लालाजार नेशनल पार्क से जाता है। लालाजार नेशनल पार्क वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा है और जो दूसरा रास्ता है जो नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं वो 4 किलोमीटर है और अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का ये ट्रैक है। कैसा जा रहा है आपका ट्रैक? बहुत अच्छा, हद से ज्यादा। भाई साहब, ट्रैक के बारे में क्या राय है, कैसा है? मर गए इंतकाल। ट्रैक कैसा जा रहा है? पॉजिटिव। रोता हुआ तो नहीं जा रहा? नहीं नहीं। What happened? आप थक गई हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं थकी, मैं अपने वेट कर रही हूँ। पूछे ही मत। आपके क्या तासरात हैं? आप कुछ कहना चाहेंगी ट्रैक के बारे में? थक गए। ट्रैक शुरू होने से पहले थक गए। अब क्या किया जाए? रेस्ट थोड़ा। भाई आपका क्या ख्याल है ट्रैक के बारे में अभी? कुछ भी नहीं। ना पूछे? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स।
डेस्टिनेशन टूरिस्ट विजिटर्स और ट्रैवलर्स के लिए एक बेहतरीन हाइकिंग ट्रैक है। इस चोटी की बुलंदी सतह समंदर से तकरीबन 9452 फीट है। नॉर्मली यहाँ पर नौजवान विजिटर जो हाइकिंग का शौक़ रखते हैं वो आते हैं और स्पेशली सर्दियों में इस चोटी का रुख ज़्यादा लोग करते हैं। मुश्किल टॉप वैसे तो गर्मियों और सर्दियों दोनों मौसमों में ही खूबसूरत होती है, लेकिन इसका हुसन सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों में ये चोटी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है और विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। How's going? Going well. Hello. How's going? Good. Great. Yep. एक्चुअली मुश्किल टॉप की ट्रैकिंग सुबह जल्दी स्टार्ट की जाती है ताकि सही वक्त पर टॉप पर पहुंचा जाए। अगर आप लोग जल्दी मुश्किल टॉप पर पहुंच जाते हैं तो आपके पास बहुत टाइम होता है मुश्किल टॉप की सराउंडिंग को एंजॉय करने के लिए। मुश्किल ट्रैकिंग करते हुए आपको बहुत खूबसूरत जंगलात, सरसब्ज माउंटेन्स, बहुत खूबसूरत फूल देखने को मिलते हैं। So, issue and I have a breathing issue. Still we made it, and that's what we call victory. What do you think about this place? It's beautiful.
ये बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली वो जो हाइकिंग का शौक रखते हैं, वो मुश्किल टॉप लाइफ में एक बार एटलीस्ट जरूर आए। अभी हम मौजूद हैं मुशकपुरी टॉप पे, और ये जो है हर मौसम में ही मुशकपुरी टॉप खूबसूरत होती है, और ऑटम में भी बिल्कुल इसकी खूबसूरती है, और यहाँ आना चाहिए। ठंड भी है, सनशाइन है, एक्स्ट्रा आउट क्लास, मौसम बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, हमने ब्लॉसम ट्रैक्स के साथ मुशकपुरी का ट्रैक किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मज़ा आया हमें। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम इतनी जल्दी भी कर पाएंगे, इन्होंने हमें बहुत अच्छा किया कि हम एक बूस्ट अप होता बूस्ट अप दिया, और सेकंडली के आमिर भाई हैं, इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा किया सपोर्ट किया कि यार नहीं करना है करना है करना है। नए नए जो आते हैं वो ज़्यादातर 4 घंटे लगाते हैं ट्रैक में ऊपर आने हुए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे 2.5 घंटे में किया है। हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हम कर जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। और आज हमारे साथ कुछ दोस्त आए हैं जिन्होंने मुश्किल टॉप का ट्रिप किया है हमारे साथ, और हम उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि उनको हमारी कंपनी के साथ ट्रैवल करना कैसा लगा, और उनका मुश्किल टॉप के बारे में क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं पहले भी मुश्किल टॉप कर चुका हूँ, मगर कंपनी के साथ हमारा आने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हर चीज़ वेल मैनेज रही है, बिल्कुल टाइम पे रही है, जो टाइम डिसाइडेड था ट्रैवलिंग से लेके नाश्ता टॉप पे पहुंचना वापसी सारा टाइम पे, असल चीज़ टाइम मैनेजमेंट होती है जो कि इधर प्रॉपर हुई है। सबसे पहले तो मैं आमिर भाई की कंपनी का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत बहुत कमाल हो गया एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया मुझे। वही बात होगी जो भाई ने की है कि मतलब ट्रिप इन टाइम था, बहुत मोटिवेट करते रहे हैं साथ साथ, और ट्रिप मतलब ए टू जी बहुत ऑसम, बहुत मज़ा आया, व्यू यहाँ से बहुत कमाल का लग रहा है। आप क्या समझते हैं कि लोगों को मुश्किल टॉप आना चाहिए? सर क्यों नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, मेरे ख्याल से बेस्ट वन डे टूर है, तो मेरे ख्याल से रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है एक दिन के लिए, तो ज़रूरी है मेरे ख्याल से। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ऑफिस से ऑफ नहीं लेना पड़ता, बजट ज़्यादा नहीं होता, इजीली आप आएँ, आप सैटरडे नाइट को निकलें और संडे नाइट को वापस पहुंच जाएं, और साथ में मनाल पे डिनर भी इंजॉय करें, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट ट्रिप। जब हम वापस निकलते हैं यहाँ से तो फिर हम लोग मनाल जाते हैं, हम अपने पार्टिसिपेंट को मनाल पे डिनर भी करवाते हैं, और ज़ाहिर है मनाल एक अच्छी जगह है, वहाँ से इस्लामाबाद सिटी का व्यू बहुत अच्छा आता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें अराउंड 4000 में इंजॉय करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि सब लोगों को मुश्किल टॉप का ट्रिप ज़रूर करना चाहिए, हर सीज़न में करना चाहिए, और स्पेशली जब विंटर में आते हैं तो यहाँ पे
वाइट स्नोई ब्यूटी होती है, उसका एक अपना ही लेवल है। उसका भी मेरा व्लॉग पड़ा हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं मेरे ब्लॉग पे।